Perfect, finally. He caught it. वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन एक्को बॉय बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम ला रहे हैं किंग कॉन्ग पैरेट, जो काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था जिसके लिए। और जैसे कि आपने सजेस्ट किया था मेरे को कि हम अभी फ़िलहाल उसका हमारा साइज़ इतना खास नहीं है कि हम एल्बाइनो एरोवाना उसको डाल सकें, प्लस अभी मैं डबल माइंड में हूँ बिकॉज वेट की वजह से। अब मैं दोबारा वो रिस्क नहीं लेना चाहता कि हम लाएँ और फिर कुछ उसको हो। सो इट्स बेटर कि मोर ऑफ सिकलेट क्वालिटीज़ वेराइटीज़ रखें इसके अंदर। तो अब प्लान है कि इसमें हम ला रहे हैं आज किंग कॉन्ग पैरेट। प्लस आप ये देख सकते हैं कि पीछे देखिए, जो ये और ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सैंड खाली हो जाता है, तो मैं थोड़े से और इसमें वाइट सैंड ऐड कर रहा हूँ। तो चलिए अब आज हम लेके आते हैं किंग कॉन्ग पैरेट को, फिर उसके बाद आपको बाकी पूरी कलेक्शन मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस से हाय टू राघवन भाई। हाय टू राघवन, बीच में बीमार था ये। तो अब आ गए हैं हम लोग ये जो एक किंग कॉन्ग रेड पैरेट लेने के लिए। तो बट बाय द वे गाइस, अभी अगर आप देख सकते हैं तो ये पूरा एक टैंक है जिसका मैंने यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे रील भी डाला था। तो जो बैंगलोर में है, बिकॉज काफी लोगों को कॉल आया राघवन भाई के पास आउट ऑफ बैंगलोर, वो थोड़ा मुश्किल है। अगर आप बैंगलोर में हो तो ये डील वर्कआउट हो जाएगी। ये पूरा 5 फीट का टैंक है जो विथ फिशेज वो देना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं भाई से आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट और वो डील वर्कआउट हो जाएगा। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि जो हम किंग कॉन्ग पैरेट लेने आऊँ वो है वो वाला, वही वाला। तो ये ब्यूटी हम निकाल रहे हैं इसमें से, तो चलिए इसको हम निकालते हैं फिर बाकी। भैया सैंड भी है ना हमारे पास, सैंड है ना? हाँ सैंड है। हाँ तो पैरेट निकालने के बाद सैंड भी निकालने के बाकी ये देखिए सब हाय बोलना चाहिए, तू भी बोल ले हाय, ये कभी कभी मेरा कैमरामैन बनता है। तो चलिए फिश को निकालते हैं फिर हम सैंड भी निकालेंगे। मुझे कुछ कुछ फूड भी लेना है भाई, बोलना मेरे को वो ऑप्टिमम वाला फूड लेना है और एक सिफॉन पाइप लेना है और सैंड दो जगह लेना, एक 3 किलो और एक 2 किलो टाइप। हाँ ये छोटू राघवन निकालते हुए हरदम लड़ता रहता है पापा के साथ कि मैं निकालूंगा। अब मेहनत लग रही है, तेरे से ज्यादा है वजन उसका, वेट तेरे से ज्यादा है, ठीक है चले मत जाना उसके साथ। सुन पापा को दे दे, पापा को निकालने दे, तेरा वीडियो में बेइज्जती हो रहा है तेरा। गाइस ये देखिए बिल्कुल राघवन भाई के फेस जितनी बड़ी फिश है ये, बड़ा है। बहुत बड़ा है ये, तो अभी जब डालूंगा तब उसमें पता लगेगा। इसको पैक कराते हैं, अब निकालते हैं हम लोग सैंड। तो गाइस ये ले लिए हमने वाइट सैंड जो चाहिए थी, ये देख लेना और ये अगली बार लेंगे। ये वाइट सैंड ले लिए मैंने भर के, ये इसके अंदर भरा हुआ है, प्लस ये छोटे वाले फेरिंग के लिए ये ले लिए मैंने छोटे वाले प्लांट्स और ऑप्टिमम फूड, ऑप्टिमम फूड जो अपने छोटी फिशेस प्लांटेड टैंक और बालकनी पॉन्ड के लिए, हम सेफन पाइप जो मेरा खराब हो गया है इसको यूज कर लेंगे, प्लस ये रही हमारी पैरेट किंगकॉन्ग पैरेट। तो गाइज ये सब हमने भर लिया है और अपना तामझाम लेके निकलते हैं बाकी उस टैंक के लिए। अगर आप बैंगलोर में हो, दिल्ली या बॉम्बे में हो तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो उतना ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अगर बैंगलोर में हो तो भाई को नंबर पे जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कॉन्टेक्ट करो, आप वो एक्वेरियम का डील वर्कआउट कर सकते हैं। बाकी अपना सब ले लिया है और यहाँ से हम निकलते हैं, चलिए बोलते हैं बाय बाय। तो ये आ गई है हमारी जंबो फिश, बहुत भारी हो रही है, इसको डालते हैं एक्लिमेट होने के लिए। ये तामझाम अभी हम निकालेंगे और इसमें से सैंड को साफ करेंगे, फिर इसमें जो गैप वाले एरियाज में डालेंगे। तब तक इसको हम डालते हैं यहाँ पे एक्लिमेट होने के लिए। अब आप देख लीजिए साइज का डिफरेंस, ये और इसका साइज का डिफरेंस आप देख सकते हैं गाइस, क्या डिफरेंस है।
तो चलिए अब इसको हम धोते हैं। तो ये 3 पैकेट्स। तो गाइस ये सेट हमने धो ली है और इसको कम से कम आप 3 से 4 बार धो लें। और चलिए अब ये वाली स्पेसेस जो कैमरे में दिखता है ये वाली स्पेसेस पे डालना स्टार्ट करते हैं। जस्ट देख रहा था कि पैर अच्छी ये वाली है जो सबसे ज़्यादा यहाँ से पूरा गायब कर देती है सारे सेंस को, तो जैसे ही कैमरा निकाला तो एकदम छोड़ दिया, नहीं तो अभी तक वो अच्छा खासा कर रही थी। तो जब तक ये एक्लिमेट हो रही है सैंड पड़ चुका है। चलिए हम अपनी बाकी फिशेस को बाकी कलेक्शंस को आपको दिखा देता हूँ एंड देन फिर हम इसको रिलीज़ करेंगे। ये देखिए गाइस दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि जैसे पास में जाता हूँ कर दे। ये देखिए तो ये है इसकी करामत। ये देखो जैसे इसको पता लग गया कैमरा आ गया तो इसने करना बंद कर दिया, बहुत चालू है। तो ये रहा मेरा अंदर वाला फिश रूम। और अगर आप पहली बारी देख रहे हैं तो वो है भी लाइट जला दूंगा, तो वो है हमारा टर्टल एंड शार्क पॉन्ड। दिस इज़ योर प्लांटेड टैंक हमारा। ये है आपका कम्फा फ्लोरॉन जिसका नाम ऑरेंज रखा है उसका टैंक है। और नीचे हैं इसमें हमारे एल्बाइनो एरोवानास। तो यहाँ पर है ये हमारा हल्क जूनियर हल्क इंफायरी। तो अभी मैं सोच रहा था इनको फीड करूं बट फीड का भी टाइम नहीं है, तो बट स्टिल आपको चलिए जल्दी जल्दी टूर दे देता हूं। तो ये है मेरा प्लांटेड टैंक जो आप देख सकते हैं कि हमने पिछले वीडियो में इसमें हमने काफ़ी सारे प्लांट्स ऐड किए थे। जो ये देखिए पहले मुरझाए हुए थे लेकिन अब एकदम मत से हो रहे हैं। और गाइस डू कमेंट, मुझे लग रहा है कि पहले से हमारी ये, मैं रोज़ देखता रहता हूँ इसलिए उतना फ़र्क नहीं, बट स्टिल लग रहा है कि ये हमारे एंजल फिशेस पहले से बड़े हो गए हैं। ये हमारी ब्लू कोलिसा, ये रेड कोलिसा यहाँ पे, एंड देन बाकी सरफेट टेट्रागोरी और हमारे मोलीज और नियोन टेट्रासिस में सारे हैं इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा प्लांटेड टैंक। इससे मिलिए इसका नाम है ऑरेंज, जो हमारी कम्फा F4 फ्लोरोन है। ड्यूल टोन बोलते हैं इसको क्योंकि आप इसके दो कलर देख सकते हैं कि आगे रेड एंड देन पीछे येलो, जो आपको दिख रहा होगा। ये देखिए तो ये है हमारी कम्फा। एंड देन चलिए आपको कोशिश करता हूँ अपनी थोड़ा सा पानी हल्का सा आज वो चेंज किया तो फिल्टर थोड़ा तेज़ चल रहा है उसकी वजह से। तो ये हमारी 4 अल्बाइनो एरोवानास हैं। और जैसा कि आपने बोला कि अभी नहीं करेंगे ट्रांसफर साइज इनका अभी, तो मैं अभी इनको फ़िलहाल यहाँ ही रहने दे रहा हूँ और इनको अभी नहीं करूँगा चेंज। ये रही हमारी एल्बाइनो एरोवानास एंड दिस इज़ आर जूनियर हल्क एंड दैट इज़ आर येलो फायरी। बाय द वे गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मोटर मैंने क्यों लगा दिया, ये मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर के लिए लगाया क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, मतलब उससे कुछ खास साफ़ नहीं हो रहा था। प्लस इसका ब्रीडिंग का है जो मुझे वीडियो ऑलमोस्ट पूरा बन चुका है बट मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, तो उसको डाल के इसका अपडेट देना है कि ब्रीडिंग थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हुई थी बट क्या हुआ नहीं हुआ वो उसी वीडियो में बताऊँगा। तो इसलिए भी फ़िलहाल इसके लिए लगाया, नहीं तो फिर मैं इसको स्विच कर दूँगा उस पर। एंड देन चलिए टर्टल और इनको दिखाने के लिए कर देता हूँ लाइट ऑन। तो ये देखिए तो ये मिली है मेरी टर्टल से। ये है हमारी ब्यूटी फीमेल टर्टल, ये हमारा मेल टर्टल, ये रही हमारी एक और फीमेल और एक और फीमेल वो वहाँ पे घूम रही है। और ये दो बड़े शार्क्स हैं इसके अंदर। ये तो ये पूरा हमारा कलेक्शन है रूम का। बाय द वे गाइस आई नो आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं बट सब्सक्राइबर अटक गए हैं गाइस, हमें 50K जल्दी करना है और इसको इस टर्टल पॉन्ड को एक बड़े से एक्वेरियम में शिफ्ट करना है। तो गाइस थोड़ा सा पुश करिए और 50K जल्दी पहुँचते हैं क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रही है। बट मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पर काफ़ी चैनल थे जो पहले धीरे धीरे थे बट उनके जल्दी जल्दी काफ़ी सब्सक्राइब बढ़ गए, तो उनको देख कर थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार मेरे वीडियोस में कहाँ कमी रह जा रही है जो उतना नहीं जा रहा। तो गाइस थोड़ा पुश करिए और जल्दी से 50K कराइए, बाकी एक्साइटिंग करते रहेंगे। देखिए आपके लिए आज किंग कॉन्ग आपके लिए, क्या अपने लिए भी ला, अपने लिए ला हूँ आप लोग देख रहे हैं, बट 50K गाइस थोड़ा जल्दी करा दो यार। चलिए अभी काफ़ी दिन से मैंने इगुआना से आपको नहीं मिलवाया, उसको भी दिखा देता हूँ आपको, फिर हम फिश को किंग कॉन्ग पैरेट को शिफ्ट करते हैं।
तो हमारे इगुआना वहाँ से उनका पानी यहाँ भरा हुआ है और वो ये मैं थोड़ा हल्का सा गीला कर देता हूँ इसलिए वो गीली जगह पे बैठा हुआ है और जैसे ही मैं पास में आता हूँ सोने की एक्टिंग करने लगता है। तो चलिए इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए बैठा हुआ है। चल बाय चार्ली, बाय बोलते ही तमाम खोल देता है। तो कैमरा सेट कर लिया, आज कोई है नहीं तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं जो निकालने विकालने में, तो चलिए पकाता नहीं हूँ और उसको फिश को निकालते हैं। काफ़ी बड़ी है गाइस, तो उसको पहले इसका पूरा पानी हम निकाल लेंगे क्योंकि हम इसका पानी यूज़ नहीं करने वाले। गाइस मैं लिटरली नहीं बता सकता कि कितनी बड़ी है, ये देखिए तो हमारी ब्यूटी हो गई है शिफ्ट और आप देख सकते हैं कि डिफरेंस देख लिए इन सब पैरट्स का और इसका। अगर ये थोड़ी साइड में आएगी तो पता लगेगा क्योंकि इसका फेस ही कैमरे में उतना फ़र्क, ये देखिए ये देखिए, तो ये है डिफरेंस इसके। और ये पहले बहुत बड़ी दिखती थी ये वाली हमारी पैरट, बट लेकिन अब ये देखिए इनके सामने इनका साइज़ क्या ही लग रहा है। तो ये है हमारी जम्बो पैरट जो किंग कॉन्ग बोलते हैं, ये देखिए कितनी मस्त लगते हुए। और ये पूरा हमारा टैंक का व्यू कुछ इस तरीके से आते हुए, तो ये देखिए। तो ये हो गई हमारी गाइस, कमेंट द नेम। वैसे तो मैं सोच रहा था किंग कॉन्ग ही रख दूं, बट कमेंट द नेम, और जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे तो वो मैं अगले वीडियो में उसको शॉर्ट आउट ऑन द वीडियो एंड ऑल्सो उसका नाम भी हम वही रखेंगे। तो जल्दी जल्दी अब आपको दिखा देता हूँ तो हमारे किंग कॉन्ग के साथ कौन कौन है। तो ये रही हमारी फ्रंटोसा, ये रहा हमारा पीकॉक बास, ये है हमारी ग्रीन टेरर, ये है सुपर रेड ऑस्कर एंड पाइड पैरेट जाइंट गुरामी। तो पूरा कितना प्यारा लगते हुए। अब कुछ सेकंड्स के आप सिनेमैटिक शॉट्स देख लीजिए म्यूजिक के साथ। पैरेट और आप जैसे कि हमने अभी देखा कि क्या साइज़ का डिफरेंस है। बाकी जो पैरेट्स हैं थोड़ी बहुत वो होती हैं तो वो अभी नहीं आई है, तो थोड़ा बहुत उसको चेकआउट कर रहे हैं तो होपफुली आराम से एडजस्ट हो जाएगी। बट ये देखिए ये उसको चेकआउट करे जा रही है बार बार। तो गाइस इसमें हमने ऐड करी है किंग कॉन्ग पैरेट, एल्बाइनो एरोवाना उसका क्या करेंगे वो अभी आगे वाले वीडियोज़ में हम बताते रहेंगे। बाकी अगर आप मेरा चैनल पहली बार ही देख रहे हैं तो आपने मेरी पूरी कलेक्शन देख ली है ये वाली और फिश रूम के अंदर बालकनी पॉन्ड इगुआना। तो मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोस बनाता रहता हूँ टर्टल्स फिशेस पे, तो अगर आपको ऐसा कंटेंट रेगुलरली देखना है तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब। और जैसा कि मैं पहले आपको बोल रहा था, थोड़ी सी भीख मांग रहा था गाइस, जल्दी से 50K करते हैं क्योंकि बाकियों के भर रहे हैं, हम वहीं अटके हैं तो थोड़ा बहुत जलन होने लगती है। जलना नहीं चाहिए वैसे, इट्स अ हॉबी, बट देन यस थोड़ा बहुत। तो हेल्प करिए जल्दी से पहुँचते हैं। और बाकी आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, आसपास ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहिए। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय।